जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो थोड़ी सी अलग है क्योंकि आज मैं आपको और ज़्यादा डिटेल दूंगा इस कलर के बारे में। यह है अर्बन गबरू बियर्ड कलर और इस पर लिखा हुआ है 100% नेचुरल कलर। ये देखिए 100% नेचुरल कलर लिखा हुआ है, लेकिन सही बताऊँ ना, मैं इसे काफ़ी समय से यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन आपके बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि ये कैसे लगाना है और कितने टाइम तक लगाना है, कितने टाइम तक रुक जाएगा, क्या इसका कोई साइड इफेक्ट है, स्किन पे तो नहीं लगता, तो ये सब चीज़ें बताऊंगा आपको। देखो पहली चीज़ तो यह है कि इस पे 100% नेचुरल कलर लिखा हुआ है, लेकिन ये 100% नेचुरल कलर मुझे नहीं लग रहा। उसकी वजह यह है, अगर कोई बिल्कुल 100% नेचुरल कलर होगा ना, तो मतलब उसको इतनी जल्दी वो रिजल्ट नहीं देने का। अगर मैं इसको 10 मिनट भी लगाता हूँ तो बाल जो है ना कलर होने शुरू हो जाते हैं, मतलब कलर आना उन पे शुरू हो जाता है, लेकिन नेचुरल कलर में ऐसा नहीं हो सकता मेरे हिसाब से। दूसरी बात यह है कि इसकी एक्सपायरी डेट के बारे में पूछ रहे हैं, तो जब मैंने इसका जो इसका बॉक्स आया था इसके साथ में, उसमें एक्सपायरी डेट इसकी 2 साल की एक्सपायरी लिखी हुई थी। लिंक इस प्रोडक्ट का मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आप परचेज करना चाहें तो कर सकते हैं। और सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं इसका लगाने का तरीका क्या है। आपको सिंपली थोड़ा सा आप इसको ले लीजिए, जैसे मैंने ले लिया, जितना आपकी ज़रूरत है, जितनी आपकी बियर्ड है उसके हिसाब से ले लो। फिर उसमें थोड़ा सा आपको पानी मिलाना है और उसका एक पेस्ट सा बना लेना है। पेस्ट सा बनाने के बाद आपको ऐसे इसको अप्लाई कर देना है। अभी मैं भी करूँगा ऐसे अप्लाई, और इसको अच्छे रिजल्ट के लिए 20 से 25 मिनट छोड़ना है, कम से कम 20-25 मिनट तक इसको लगे रहने देना है। आधे घंटे तक आप लगे रहने दे सकते हैं। जब आप इसको धोएंगे तो हो सकता है कि आपके आपको ऐसा लगे कि ओवर लग रहा है कलर, लेकिन जब आप अपना चेहरा धोएंगे दोबारा से तो सिर्फ बालों पे ही ये कलर आ जाएगा। तो मैं सबसे पहले तो इसको लगाता हूँ और लगाने के बाद इसका रिजल्ट दिखाता हूँ। अब जो एक क्वेश्चन और है सबसे बड़ा, वो ये है कि कितने समय तक इसको, मतलब ये कितने समय तक टिकता है। तो मैंने इसको 6-7 बार इस्तेमाल किया है और कोई स्किन में इरिटेशन वगैरह मुझे महसूस नहीं हुई। और ये जो टिकता है ये करीबन 8-10 दिन तक आराम से चल जाता है, ज़्यादा भी कई बार चल जाता है, डिपेंड करता है मैं कितनी बार फेस वॉश करता हूँ अपना पूरे दिन में। तो बस ये डिपेंड करता है, जितनी बार आप ज़्यादा फेस वॉश करेंगे अपना उतनी जल्दी ये निकल जाएगा, और अगर आप कम करेंगे तो ज़्यादा देर तक टिका रहेगा, ज़्यादा दिनों तक टिका रहेगा। तो सबसे पहले मैं इसको लगाता हूँ। तो दोस्तों मैंने इसका ऐसे एक पेस्ट सा बना लिया है, जैसे मेहंदी होती है ना, बिल्कुल ऐसा बन के आया है इसका पेस्ट। अब इसको सिर्फ अप्लाई करना है। मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, फिर फाइनली मैं शीशे में देख के अप्लाई करूँगा, क्योंकि इसमें देख के ठीक से अप्लाई नहीं हो पाता। ऐसे आपको अप्लाई करना है, ठीक है ना। तो मैं इसको एक काम करता हूँ, अच्छे से शीशे में देख के अप्लाई करता हूँ और 30 मिनट के बाद, 25-30 मिनट के बाद आपको रिजल्ट दिखाता हूँ और भी बात करता हूँ फिर उसके बाद। तो दोस्तों फाइनली आप रिजल्ट देख सकते हैं। देखो थोड़ा बहुत है ना यहाँ पे लगा था, लेकिन जैसे मैंने फेस वॉश किया तो उसके बाद जो है अपने आप ही यहाँ से स्किन पे से हट गया। अगर लग भी जाता है तो 1-2 बारी में ही वो क्लीन हो जाएगा। तो ये बियर्ड कलर आप बिल्कुल ले सकते हैं, कोई इरिटेशन वगैरह मुझे कुछ नहीं करता। 300 रुपीज़ का है ये। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है आपकी सुविधा के लिए, आप वहाँ से जाकर लीजिए, और कहीं और से भी लेते हैं तो चेक करके लीजिए कि ओरिजिनल प्रोडक्ट ही ले रहे हैं आप। तो दोस्तों बढ़िया प्रोडक्ट है, आप बिल्कुल ले सकते हैं। ये थी मेरी वीडियो, आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। आज के लिए इतना ही, जय हिंद, टेक केयर, और चैनल मेरा जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।